शायद ये लाखों साल पुरानी विद्या है, ये 10-20 हजार साल की विद्या नहीं है। और ये लाखों साल पुरानी विद्या टिकी कैसे, आज तक जिंदा है। आज भी हम उन औषधियों का नाम जानते हैं जिनको राम जी जानते थे, वो नाम वैसे के वैसे ही चले आ रहे हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव हुआ होगा कि इस विद्या को भारत के लोगों ने जीवन विद्या बना लिया होगा। जीवन विद्या माने जिंदगी के हर क्षेत्र से जुड़ी हुई, और इसको जीवन विद्या बनाया होगा तभी इसका नाम आयुर्वेद पड़ा होगा। ये आयु का विज्ञान है, चिकित्सा का नहीं है, रोगों का नहीं है, जीवन का विज्ञान है। और ये जीवन का विज्ञान सिखाया गया होगा पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। और ये शायद घरों में ही संभव है, क्योंकि घर में ही ज्यादा समय लोगों का बीतता है। तो शायद हर घरवासी को ये ज्ञान मालूम होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान जो आया वो आज तक चला आया। और इतना अद्भुत है कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी सब इससे भरपूर हैं, सबके पास ये भंडार के रूप में है। फिर एक प्रश्न उठता है, बहुत लोग मुझे कहते हैं हमारे यहाँ लाखों साल ऐसे चला आया परंपरा से, तो पिछले 1000 साल में ये डूब कैसे गया, इसका महत्व तो कैसे कम हो गया, कारण क्या रहा इसका? इसका कारण एक कहानी है। अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसी आए, उनसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों से पहले मुगल आए, उनसे पहले हूण आए, शक आए, सब ने लूटा इस देश को। और जो बाहर से आया हुआ लुटेरा होता है ना, उसका एक ही धर्म है कि वो यहाँ से जो भी कुछ है लूट कर ले जाए। और वो यहाँ से जो भी कुछ लूट कर ले जाए उसके लिए आवश्यक है कि जिसका वो धन और संपत्ति है वो उसको लूटने के लिए छोड़े। तो हमने शायद ये लूटने के लिए छोड़ा होगा और उन्होंने इसको लूट लिया होगा। हमने इसको लूटने के लिए क्यों छोड़ा होगा, कोई तो कारण होगा इसके पीछे। तो बहुत दिनों से सोचते सोचते मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि शायद एक कारण ये रहा हो कि हमने प्रकृति की दी गई इस संपदा को अपने पास इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध होने पर मान लिया कि हम तो सुरक्षित हैं। जैसे घर में बहुत सारा धन धान्य हो ना तो गरीबी की कल्पना नहीं आती, घर में बहुत सारा पैसा हो ना तो बेरोजगारी की कल्पना नहीं आती, घर में सब कुछ भरा पूरा हो तो अभाव का जीवन क्या होता है पता ही नहीं है। तो यहाँ सब भरा पूरा था, हमें कल्पना ही नहीं थी कि एक दिन ये लुटते लुटते इतना कम हो सकता है कि हमारे लिए विदेशों से लाना पड़े। ये एक कारण रहा।